स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे मसाला पूरी। यह पूरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सिंपल पूरियां तो हम बनाते ही हैं, लेकिन आज हम यहाँ मसाला पूरी बनाएंगे। तो हमने मसाला पूरी बनाने के लिए यहाँ 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ठीक, इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच बेसन मिला रही हूँ। बेसन से जो हमारी पूरी का टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। और इसके अंदर मैं 2 चम्मच सूजी, सूजी से जो हमारी पूरियां हैं वो बहुत ही खस्ता बनेगी। अब मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच से भी कम अजवाइन डाल ली है, और अजवाइन मैंने थोड़ी सी क्रश करके डाली है ताकि हमारी पूरियों में इसकी खुशबू अच्छे से आए और ये पचने में भी आसानी करती है। और यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, साबुत जीरा। और यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी डालती हूँ। हल्दी डालने से जो हमारी पूरी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ डाली है। और अब मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक, नमक आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर ये 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप यहाँ तेल भी डाल सकते हैं, वो आपकी पसंद है कि आप इसमें घी डालेंगे या तेल डालेंगे। अब हमने अपने आटे का एक टाइट सा डो बनाना है, जैसे हम पराठे के लिए बनाते हैं या जो पूरियां होती हैं उसके लिए बनाते हैं। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला रही हूँ। अब ये जो हमारा डो है ये बन के अच्छे से तैयार हो गया है, और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। देखो ये ज्यादा सख्त भी नहीं है, ऐसा ही हमने डो बना के तैयार करना है। और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अपने आटे को 20 मिनट के लिए ढक के रख दिया था, और अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाते हैं। जैसे हम रोटी के बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमने छोटा इस साइज के गोले हमने बनाने हैं, और पूरी को हमने बेलना है। अब हम इसको इस तरह से बेल के अब मैंने यहाँ पूरियों को तलने के लिए एक पैन में घी ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा गोला डाल के देख लेते हैं कि हमारा घी तैयार हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए ये जो हमारा गोला है ये ऊपर आ गया है, और इस तरह से हमने जो हमारी पूरियां बेल के तैयार कर रखी है वो भी हम इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने इस तरीके से सारी पूरियों को बेल लिया है, और उधर जो हमारा घी है वो उबल कर तैयार हो गया है। अब मैं एक एक पूरी करके अपने घी के अंदर डालती हूँ। इसको मैं यहाँ दबा दबा के सेकूंगी, इससे जो हमारी पूरियां हैं वो फूल के अच्छे से बन जाएंगी। इस तरीके से ये हमारी पूरी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसी तरह से एक एक करके हमारी सभी पूरियों को बना के तैयार कर लेते हैं। अब इस तरीके से जो ये हमारी पूरियां हैं ये बनके तैयार है। देखो ये कितनी क्रिस्पी बनी हैं, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप भी इन पूरियों को बनाइए, खाइए। और आपने ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन आप जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के दबाने से हम मेरी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपने मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे घर में जरूर बनाकर देखें, और आपके जो अनुभव हैं वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, और जो आपके कमेंट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए।